नमस्कार साथियों, न्यूज फरुखनगर में आपका स्वागत है। हम दिखा रहे हैं आज को राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरुखनगर के हालात। यह बिल्डिंग पिछले एक साल से टूटी हुई है, ना तो ये बिल्डिंग बनाई गई है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। बच्चे धूप में बैठते हैं और खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चे खुले आसमान के नीचे तीन कमरे में ही पढ़ रहे हैं। सिर्फ तीन कमरे हैं जिसमें पूरा स्कूल चल रहा है, जिसमें 203 बच्चे लगभग पढ़ते हैं और तीन कमरों में ही पूरा स्कूल चल रहा है। ये देखिए किस प्रकार से राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरुखनगर की बिल्डिंग पिछले एक साल से तोड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बनाने के लिए। इस विषय में हमने स्कूल के अध्यापकों से भी बात की तो उनका जवाब यही था कि हमें पता नहीं है जी कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ये देखिए किस प्रकार से बिल्डिंग तीन कमरों में ही चल रही है और ये बिल्डिंग यहाँ पर बननी है, अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है पिछले एक साल से। हाँ। कितने बच्चे पढ़ते हैं मैम स्कूल में? 200। अच्छा, तीन बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग कब टूटी थी? चार पाँच महीने हो गया। हाँ, तो सर्दी तो एक साल होने वाला है लगभग। अच्छा, तो कोई इसकी दुखी हो रहे हैं भैया, वही बात है ना। अच्छा, स्कूल कोई आपने भी हो सर से कही हो बिल्डिंग बनाने के लिए, किस वजह से रुक रही है बिल्डिंग स्कूल की? पता ना भैया, देखो अभी भी हो सर से इतना बोल रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई हो? नहीं, अभी कोई नहीं। अच्छा, फिर ये इसकी वजह से ना, देखो ये है ना, इस वजह से कई बार ये दीवार तो ये भी गिर जा हुआ है। अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं बाहर तो दिक्कत हुआ है। अच्छा, और यहाँ से जैसे बंदर वो है, ये वायर है, ये इनसे वो लटक जा हुआ है, तो परेशानी बहुत हो रही है। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग, हाँ इस साइड में देखो आप, ये टूट गई थी, इसमें तो देखो वो तो है ही ना, डर है ना, डर है तो कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग हो चुकी है तो हमें जो है ना, यहाँ पर मैं रोहतक से आती हूँ, 7:45 पे यहाँ पहुँच लेती हूँ। अच्छा, क्यों? रीजन यही है, कहीं बच्चे आओ सुबह, कई बच्चे तो देखो इसके अंदर से निकले हुए हैं। तो आप बताओ, पेरेंट्स तो स्कूल में भेज देते हैं, जिम्मेवारी किसकी हुई? टीचर की हुई। सरकार की भी, सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भी स्कूल की बिल्डिंग जल्द से बंद। भैया हम तो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, चलो ठीक है, कब कोशिश करते हैं जी बनवाएंगे बिल्डिंग।